नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। साकिब वानी कश्मीर के उभरते हुए बॉलीवुड स्टार, महकमा सियाहत की जानिब से सियाती मकाम कुलगाम अहरबल में फेस्टिवल का एहतमाम, पुंछ में मेहनत कश तबके की फलाह व बहबूद के लिए महकमा लेबर मुतहरिक, पुलवामा में खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतलक कानूनी आगही प्रोग्राम का इनकार, फौज का वीडीसी मेंबरों के लिए हथियारों की देखरेख के लिए वर्कशॉप। श्रीनगर के टंकीपोरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले साकिब वानी ने काफी जदोजहद के बाद अदाकारी की दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान और जगह बना ली है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से नशर होने वाले ड्रामे घर की दहलीज से चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर अपने करियर की शुरुआत कर चुके इस कश्मीरी नौजवान की सालों की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी है, क्योंकि इस नौजवान का बॉलीवुड में काम करने का ख्वाब अब हकीकत बन चुका है। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के टंकीपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले साकिब वानी ने काफी जद्दोजहद के बाद अदाकारी की दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई और अलहदा जगह भी बना ली। इस नौजवान की सालों की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी है और साकिब का बॉलीवुड में काम करने का ख्वाब अब हकीकत बन चुका है। मेरा जो एक्टिंग का करियर था वो बचपन से ही था, क्योंकि मेरे को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1998 में मैंने डेब्यू किया था दूरदर्शन में, घर की दहलीज सीरियल था उसमें। उसके बाद मैं एनर्जी थिएटर ज्वाइन किया दिल्ली में, साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा कश्मीर में, और हमारे वर्कशॉप्स होते थे इरफान खान साहब के साथ जो गुजर गए दो साल पहले ही, नसीर साहब के साथ, नसरुद्दीन साहब, ओमपुरी साहब के साथ। पृथ्वी थिएटर में मैंने परफॉर्म किया हुआ है। और रिसेंटली जो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ब्रेक था वो बाड़ ऑफ ब्लड के ज़रिए था, जो रेड चिलीज़ प्रोडक्शन शाहरुख खान की थी। तो उनकी प्रोडक्शन के बैनर के अंडर एक प्रोमिनेंट रोल था जो मैंने उसमें अदा किया था। एक ज़बरदस्त कामयाब मूवी थी वो, इमरान हाशमी उसमें स्टार कर रहे थे। उसके अलावा मैंने अपना करियर का आगाज़ नेशनल टेलीविज़न से किया था, कलर टेलीविज़न पे, स्टार प्लस, सोनी पे क्राइम पेट्रोल किया हुआ है। तो उड़ान सीरियल मेरा आता था कलर्स पे, तो उसके बाद नेशनल टेलीविजन से आके मैं बॉलीवुड में एंटर हो गया। इससे कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री मुकम्मल कर चुके साकिब वानी ने मकामी सतह पर 1998 में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से नष्ट होने वाले ड्रामा घर की दहलीज से चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर अपने करियर का आगाज किया। कश्मीर में एक्टिंग स्कूल न होने के सबब साकिब को अदाकारी गुर सीखने के लिए बेरून रियासत रुख करना पड़ा और थिएटर में भारत के मायानास अदाकारों और फनकारों से काम करने का मौका मिला। जी देखिए, दूरदर्शन में मैंने स्टार्ट किया था काम करना, लेकिन वहाँ का जो पैटर्न ऑफ एक्टिंग की टेक्निक्स है वो बेटर करने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए मैंने बाहर थिएटर ज्वाइन किया। यहाँ भी थिएटर था, लेकिन यहाँ पे एक कमी आती है एक्टिंग स्कूल की। कश्मीर में आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को ग्रूम कर सके। एक्टिंग स्कूल में आपको ग्रूम कर सकते हैं, आपकी टेक्निक स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मैं बाहर चला गया। तो मैंने वहाँ पे थिएटर ज्वाइन किया, तो थिएटर में दिग्गज जो जो एक्टिंग के हैं, ओमपुरी साहब है, नसरुद्दीन साहब है, उनसे क्लासेस ली हुई है, विजय राज साहब से क्लासेस ली हुई है, तो वो मेंड करके मैं नेशनल टेलीविजन में चला गया कलर्स में। तो अभी मैं कश्मीर में काम कर रहा हूँ, कश्मीरी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के कल्चर को भी मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिसेंटली जो गाना आया था लोलन, वो जी म्यूजिक पे आया हुआ था, जो यहाँ का ग्लोबली हमने आगे वो प्रमोट किया हुआ। साकिब नेशनल टेलीविजन के मुख्तलिफ चैनल से नशर होने वाले ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, जिनमें ड्रामा उड़ान और सोनी टेलीविजन के मशहूर शो क्राइम पेट्रोल शामिल है। जबकि साकिब ने शाहरुख खान की प्रोडक्शन के बैनर तले रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की तैयार करदा नेटफ्लिक्स सीरीज बाड़ ऑफ ब्लड में भी अपनी अदाकारी से हर एक को मुतासर किया।
जबकि बॉर्ड ऑफ ब्लड से इस नौजवान अदाकार के मुस्तकबिल को एक नई सम्त मिली। जी देखिए, यहाँ वैली के जितने भी यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वेदर इट इज़ सिनेमाटोग्राफी डायरेक्शन या म्यूज़िक प्रोडक्शन या सिंगर। जो रिसेंटली मेरा म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुआ था लोलन, उसमें रासिक इम्तियाज़ खान ने गाया हुआ था वो गाना, ज़बरदस्त सिंगर है। तो यहाँ पे अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं अयाज, काम कर रहे हैं ऋषभ राइनो, एक हमारे यहाँ के कलाकार है, वो भी एक ज़बरदस्त कलाकार है। या आबिद हमारे साथ रहते हैं सिनेमाटोग्राफी में, जो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ है। तो सबका योगदान इक्वली है इसमें, और बिल्कुल हम यहाँ के कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो ग्लोबली लेवल पे जाए। और जो पिछला सॉन्ग था वो बहुत लोगों ने सराहा और बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे उसके। अदाकार साकिब के बचपन से ही अदाकारी में दिलचस्पी रही है और ये एक्टिंग की दुनिया में ही अपने ख्वाबों को हकीकत बनते देखना चाहते थे। अगरचे शुरू शुरू में उन्हें अपने वालिद का साथ नहीं मिला, ताहम साकिब के शौक को देखते हुए वालिदा उनका भरपूर साथ देती रही। दरअसल वालिद चाहते थे कि साकिब सिविल सर्विसेज में अपना मुस्तकबिल संवारे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डेडिकेशन अगर आप में है, आप कर सकते हैं। अगर आप में वो करने की इच्छा है तो आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप में पूरी डेडिकेशन नहीं है तो आप मिडल वे पे स्टक हो जाओगे। ये नहीं कि अगर आप एक दो रिजेक्शन फेस करते हो ऑडिशन में तो आप छोड़ दोगे करना। जैसे आजकल बहुत सारे यूथ मेंटल हेल्थ से भी जूझ रहे हैं, रिजेक्शन किसी भी चीज़ की, वेदर इट्स ऑडिशन या लाइफ में कोई फेलियर हो, तो आप उस चीज़ को दिल पे मत लीजिए। फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। तो अगर आप फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे तो वही आपका आगे की चाबी बनेगी सक्सेस की। कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को उभारने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक्टिंग स्कूल की जरूरत है, ताकि यहाँ के नौजवान बेहतर तौर अदाकारी के गुर सीख सकें। कश्मीर में साकिब वानी जैसे कई नौजवान हैं जिन्होंने शोबिज की दुनिया में अपनी एक अलग और मुनफरिद पहचान बनाई है। वादी कश्मीर में शोबे सयाहत के फरोग के लिए जनूबी कश्मीर के मशहूर मारूफ सयाहती मकाम अहरबल कुलगाम में एक फेस्टिवल का अहतमाम किया गया। फेस्टिवल का मकसद कश्मीर के खूबसूरत मकामात, खासतौर अहरबल को सयाहती नक्शे पर लाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को इन मकामात की जानिब रागिब किया जा सके। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कश्मीर के सयाहती सनत मौशी एतबार से काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि कमोबेश 70% आबादी इस शोबे से बिलवास्ता या बिलावास्ता वाबिस्ता है और वसी कार रोजगार इस शोबे से जुड़ा हुआ है। आलमगीर वबा कोविड-19 के नतीजे में बुरी तरह से मुतासिर हुए शोबा सयाहत को फरोग देने के लिए महकमा सयाहत काफी सरगर्म और मुतहरिक है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में वाका मशहूर मारूफ सयाहती मकाम अहरबल कुलगाम में एक फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। बहुत खुशी की बात है, डीसी साहब ने अच्छा इनिशिएटिव उठाया टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू, तो अच्छा है हमारा ये अहरबल में जो है टूरिस्ट आएंगे, रोजगार हमारा बढ़ जाएगा। बहुत लोग बैठे हुए हैं, उनका रोजगार चलेगा इससे। ये साल में 2-4 बार होना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि अहरबल कहाँ है, अहरबल फाल कहाँ है। अहरबल कुलगाम फेस्टिवल का बुनियादी मकसद कश्मीर के खूबसूरत मकामात, खास तौर पर अहरबल कुलगाम को सयाहती नक्शे पर लाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को इन मकामात की जानिब रागिब किया जा सके। गुज़िश्ता 2 बरसों से भी ज्यादा अरसे से जम्मू कश्मीर के माशी एतबार से अहम तरीन सन्नत तसव्वुर करने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इस सन्नत को नई जिला बख्शने के लिए महकमा सयाहत की जानिब से मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत अहरबल कुलगाम में अहरबल कुलगाम फेस्टिवल का अहतमाम किया गया।
हम चाहते हैं कि ऐसे फेस्टिवल्स बार बार हो जाए यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हाईएस्ट कैस्केड है यहाँ पे, हेरबल ऐसा कहीं पे नहीं है कश्मीर में, ऑलमोस्ट एशिया का हाईएस्ट कैस्केड है यहाँ पे। तो टूरिस्ट को यहाँ टूरिस्ट आने चाहिए ताकि उनको बढ़ावा मिले और यहाँ के लोगों को भी रोज़गार का मौका मिले। यहाँ पे थोड़े और अपग्रेडेशन होनी चाहिए ऑलमोस्ट होटल्स और ये बाकी, ताकि उन होटल्स में यहाँ के लोकल्स को यहाँ पे उनको जॉब मिले ताकि वो अपना रोज़गार चला सके। फेस्टिवल के दौरान मकामी फनकारों ने मुख्तलिफ मौसीकी और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महजूज किया, जबकि मकामी लोगों और सयाहों ने ऐसे प्रोग्रामों को खुश आइंद करार दिया। वादी कश्मीर में खूबसूरत मकामात को मंजर आम पर लाने के अलावा मजहबी मकामात को भी पिलग्रिम टूरिज्म के जुमरे में शामिल करने के लिए महकमा सयाहत की जानिब से कोशिशें जारी हैं। देखिए, मैं उनको आपके माध्यम से आज ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए। आज इतने सारे लोग यहाँ पे जो है फेस्टिवल को मना रहे हैं, लेट देम कम एंड एंजॉय। वो बिल्कुल यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, लोग पहले भी आ चुके हैं, अब दोबारा भी लोग इस वक्त आ जाएं, विंटर्स में आ जाएं, लेट देम कम एंड एंजॉय इन द यू नो हर्बल ब्यूटी। जम्मू कश्मीर में बागात, झीलों, झरनों, बर्फपोश पहाड़ों और चश्मों के साथ साथ मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाली अजीम व मारूफ ज़ियारतगाहें और मुकद्दस मकामात हैं, जिन्हें सियाहती नक्शे पर लाने से शोभा सियाहत को काफी फरोग मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला पुंछ में मजदूर तबके को रोजगार से हम आहंग करने और मरकजी स्कीमों से मुस्तफीद करने के लिए महकमा लेबर काफी मुतहरिक है। मेहनतकश तबके को न सिर्फ लेबर कार्ड फराहम किए जा रहे हैं बल्कि मरकजी स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है ताकि उनकी माशी हालत बेहतर हो सके और बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज बन सके। इमारत साजी और दूसरे मैदानों में काम करने वाले और मेहनत करने वाले हाथों की मदद के लिए मरकजी हुकूमत ने एक जामिया स्कीम मुरतब की है, जिसके तहत रजिस्टर्ड मजदूर खानदानों के बच्चों को तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। सूबा जम्मू की पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ में भी इस स्कीम के तहत महकमा लेबर में रजिस्टर्ड मजदूरों को मुस्तफीद किया जा रहा है। इसमें यह है कि जो साल भर का जो हमें स्कॉलरशिप मिलता है और उसके बाद जो कोविड का जो अमाउंट आया है वो भी हमें मिला है, और उसके बाद अलावा जो ईश्रम कार्ड के जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी धीरे धीरे रफ्तार रफ्तार सब मिल रहे हैं। तो बाकी इसमें सबका शुक्रिया है जो हमें डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें जो सहूलत मिल रही है वो बिल्कुल हमारे तक पहुँच रही है। गैर मुनज्जम और बिगड़े हुए तामीरी मजदूरों के लिए सरकार कई तरह के इकदामात उठा रही है। सरकारी सहूलतों का मुस्ताकीन तक पहुंचना जरूरी है। मजदूरों और ड्राइवरों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने के लिए जो बुनियादी रकम की जरूरत है वो सरकार दे रही है। पुंछ में कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान मुतासिर हुए मजदूरों को माली मदद फराहम की जा रही है। कोरोना में जो हुआ था इसको लेबर कार्ड में जो उन्होंने पैसा दिया है, हजार हजार पड़ा, जितना भी पड़ा वो पूरा मिल गया, तो इससे आगे भी बहुत फायदा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए फायदा है हमें इसमें। जब वो कार्ड बनाया है बच्चों की शादी के लिए, जब इसके वो साथ में दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट का इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यहाँ जो लेबर ऑफिसर साहब है ये बहुत अच्छे नेकदार हैं, ये पूरा स्टाफ जो है वो अच्छा है। लेबर महकमे की जानिब से पुंछ में लगाए गए एक कैंप के दौरान सैकड़ों मेहनतकशों को लेबर कार्ड तकसीम किए गए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की जानिब से मुनाकिदा कैंप के दौरान मेहनतकशों को मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमों की जानकारी फराहम की गई, ताकि वो मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम जो जितने भी 100% कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो ई श्रम में भी अपना इंदराज करवाएं, ताकि जो उसकी जो ई श्रम के तहत जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें हैं इसमें मजदूर जो है वो इंश्योर हो जाएगा। एक्सीडेंटल केस में उसको 2 लाख रुपया
फुली डिसेबल में 2 लाख रुपया, इसी तरह पार्शल डिसेबल होता है 1 लाख रुपया। इसके अलावा वो जो जो भी जितनी भी नागानी आफाते हैं, जैसे ड्राट्स हो जाती है, अर्थक्वेक हो जाता है, या कोई फ्लड वगैरह का शिकार हो जाता है, तो उसमें भी जो सरकार जो है उसको कंपनसेशन देती है। हुकाम का कहना है कि महकमा लेबर मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है और जिले में हजारों मजदूरों को बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई है, जबकि इसके अलावा कोविड-19 माली माउनत के लिए हजारों मजदूरों में इमदादी रकम तकसीम की गई। नेशनल और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के ताउन से जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतलक एक कानूनी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान माहिरीन ने ख़वातीन को आईनी हकूक के बारे में जानकारी दी। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। नेशनल और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के तावुन से जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख्वातीन में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक एक कानूनी बेदारी प्रोग्राम का इनाकाद किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ख्वातीन को उनके आईन में दिए गए हुकूक और दीगर कवानीन के बारे में आगाही देना था। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली ख्वातीन ने जिला इंतजामिया पुलवामा के इस कदम को सराहा। If we make a cursory look towards the overall scenario of the society, every step in every corner, every sphere, woman folk जो है उसको neglect किया जा रहा है। No doubt कि legal advisory जो यहाँ पे ये program इस वक्त organize कर रहे हैं, तो इनका यही मकसद है कि ये general awareness दे females को, औरतों को, लड़कियों को, ताकि वो अपने जो उनके हकूक है उनकी अच्छी तरह से हिफाजत कर सके। ये प्रोग्राम यहाँ ख्वातीन को उनके कानूनी हकूक से आगाह करने के लिए मुनाकिद किया गया था। मुआशरे में ख्वातीन को हमेशा इम्तियाजी सलूक का सामना रहा है। इस किस्म का प्रोग्राम ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके हकूक से आगाह करने की एक पहल है। ख्वातीन ने इस तकरीब में मौजूद होने पर अपनी खुशी का इजहार किया और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के मजीद प्रोग्रामों की ख्वाहिश जाहिर की। इस बेदारी प्रोग्राम से हमें बेहद खुशी मिली, क्योंकि एक औरत को अपनी बुनियादी हकूक के बारे में पता चला। ऐसे प्रोग्राम हर गांव शहर में होनी चाहिए। आजकल के जमाने में औरतों को बेटी पैदा होने पर ताना देते हैं और ससुराल डावरी जायदाद डिमांड करते हैं और औरत तंग आकर खुदकुशी करते हैं। अगर एक औरत को अपने आईन हुकूक के बारे में पता चलेगा तो ऐसे एक्सीडेंट बहुत हद तक कम हो जाएंगे। प्रोग्राम के मुंतजमीन कहते हैं कि ख्वातीन बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने कानूनी हकूक के बारे में सीखा जिनकी आईन ने जमानत दी है। इस तरह का प्रोग्राम जिले के दूसरे हिस्सों में भी मुनाकिद किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ख्वातीन को अपने हकूक से मुतालिक आगाह रहना वक्त की अहम जरूरत है। जो डिफरेंट लॉज है, वीमेन सोशल वेलफेयर लॉज फॉर वीमेन, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मेंटेनेंस प्रोविजंस है, मैटरनिटी रूल्स है, चाइल्ड केयर रूल्स है, हमारा फर्ज बनता है हम इनको इन लेटर एंड सेपरेट ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करें, उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर कहीं किसी को दिक्कत आती है तो हमारा जुडिशल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इसके लिए तैयार होना चाहिए कि वो एक वेमन को इमीडिएट रिलीफ दे दे। ऐसे बहुत से मामलात हैं जहाँ ख्वातीन को मुआशरे में इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में ख्वातीन में खुदकुशी के वाकात की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर इन्हें अपने कानूनी हकूक का इल्म हो जाए तो मुकदमात की तादाद कम हो सकती है। फौज ने सुबह जम्मू के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में विलेज डिफेंस कमेटी VDC मेंबरों को हथियारों की देखरेख के बारे में तरबियत दी। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद VDC मेंबरों के साथ बातचीत करने के अलावा उन्हें किसी भी हंगामी हालात से निमटने के लिए हथियारों की देखरेख के बारे में
जरूरी तरबियत फराहम करना था। फौज ने सूबा जम्मू के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में किसी भी हंगामी नौयत की सूरतहाल से निमटने के लिए विलेज डिफेंस कमेटी VDC मेंबरान को हथियारों की देखरेख के बारे में एक वर्कशॉप का अहतमाम किया। VDC मेंबरों को हथियारों को सही तरीके से चलाने की भी तरबियत दी गई। यहाँ पे सर कैंप लगाया हुआ आर्मी की तरफ से VDC मेंबर जो इनका कैंप लगाया हुआ है, तो ये सर हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो हमें इनके साथ डट के मुकाबला कैसे करना है। ये हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, लड़कियाँ और लड़के साथ में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसे। तो ये यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, अगर कोई भी कहीं भी अगर टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो हमें इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलना है। VDC मेंबरान के लिए वर्कशॉप मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद VDC मेंबरों के साथ बातचीत करने के अलावा उन्हें उनकी तहवील में हथियारों की देखरेख के बारे में जरूरी तरबियत फराहम करना था। सर यहाँ पे हमने पहले तो बंदूक पकड़ना सीखी है, उसके बाद हमने यहाँ पे गोली कैसे चलाते हैं, मैगजीन कैसे डालते हैं, ऑल चीज़ें हमें जो चीज़ें सीखनी है वो हमें सिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे हम अपने गांव सोसाइटी और भी अगर कोई यहाँ पे खतरा हो तो हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, गांव की शहर की आर्मी के साथ मिल के हम कुछ कर सकते हैं। जम्मू की मौजूदा सूरतहाल के पेश नज़र VDC मेंबरान के साथ ये बातचीत इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि यही मेंबरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े या दूरदराज इलाकों जहां फौज मौजूद नहीं होती है में मशकूक अफराद की नकलो हमल के पहले जवाब दहिंदगान होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं ट्रेन करने के लिए, तो बॉर्डर के आदमी हैं, कहीं कोई लोड बन जाती है आर्मी को बनती है, तो पैंट से लेकर आए दिन तक तो हम आर्मी के साथ हैं। पहले हमारे फादर थे, पर भाई थे, फिर हम आगे, और मैंने एक पोतरा भी लाया है भाई उसको ट्रेन करने के लिए, भाई फायर करो, कोई भी मिलिटेंसी या मिलिटेंट को आ जाता गाँव में तो थोड़ी सी फायदा हो जाना, जिससे फायर शुरू किया जा ट्रेन किए। VDC मेंबरान की तरफ से बरवक्त इंटेलिजेंस की फराहमी और बकरवालों की नकलो हमल पर कड़ी निगरानी खित्ते में अमन कायम होने में काफी मददगार साबित हुई है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमें रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।